दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल 100% सिलेक्शन में। दोस्तों कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड मैथ की बहुत शानदार क्लासेस चल रही हैं। दोस्तों हम आज एक न्यू टॉपिक को टच करने वाले हैं, जिस टॉपिक से 5 नंबर का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, ओनली वन वीडियो में ये पूरा कवर हो जाएगा। बस आपको 2 स्टेप याद रखने हैं, पूरे क्वेश्चन आप आराम से लगा पाएंगे। चलिए दोस्तों फटाफट अंदाज में इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और ज़्यादा देर ना करते हुए क्वेश्चन की तरफ आते हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों हमसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, फटाफट अंदाज में हम क्वेश्चन पर आते हैं। बस सिद्ध करो कि फलन fx हर बिंदु पर सतत है। दोस्तों हमें इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाएगा और हमें ये सिद्ध करना है कि फलन fx जो है वो हर बिंदु पर सतत है। अब ये हर बिंदु का मतलब क्या होता है आपको मैं अभी बताता हूँ, मेरी बात सुनिएगा। दोस्तों हमें fx इज इक्वल टू x-1 x less than 2 2x-3 x greater than 2 या इज इक्वल टू 2। ठीक है, ठीक है जी। दोस्तों यहाँ से देखिएगा, हमने यहाँ पर देखिए fx इज इक्वल टू x-1 रखा। अगर हम x-1 ले रहे हैं तो हमें x इज इक्वल टू 2 पर चेक करना पड़ेगा भाई। f2 जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ 2 पुट करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहला स्टेप इसका यही है, आप ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि अगर हम ये वाला, अगर हम fx की जगह fx इज इक्वल टू ये ले रहे हैं तो हमें x की जगह जो यहाँ पर होगा वो रखना पड़ेगा हमें। ठीक है, ठीक है जी। तो fx इज इक्वल टू x-1 लिया हमने, x less than 2, x की जगह 2 रखा, यानी f2, यानी x की जगह 2 रखेंगे तो 2-1, तो f2 इज इक्वल टू 1, यानी समीकरण पहली आ जाएगी। पहला स्टेप क्लियर। दूसरा स्टेप पाइए दोस्तों, हम यहाँ से LHS लेंगे। LHS लिया हमने, ये रहा लिमिट x टेंस टू 2-। यहाँ देखिए थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ इसको। अब यहाँ देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, LHS लिमिट x टेंस टू 2-fx। एक दफ़े हमें माइनस करना है LHS लेकर के, एक दफ़े हमें प्लस करना है RHS लेकर के। ठीक है, किस तरह करते हैं मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों लिमिट x टेंस टू 2-fx, ठीक है। अब यहाँ गौर ध्यान दीजिएगा, 2-, यानी जो फंक्शन 2 से छोटा है। 2 से छोटे का मतलब क्या होता है आइए दिखाता हूँ। यहाँ देखिएगा दोस्तों, क्योंकि हम x इज इक्वल टू 2 पर चेक कर रहे हैं, अब यहाँ इसका मतलब ये होता है कि ये 2 से जो है ना x छोटा है, मतलब 2 से छोटा ये x है, यानी ये फंक्शन 2 से छोटा है। 2 से छोटे पे मतलब ये वाला फंक्शन पर चेक करेंगे हम। ठीक है, अगर दो, क्योंकि हमें एक दफ़े प्लस करना है और एक दफ़े माइनस करना है, अभी हम फिलहाल माइनस कर रहे हैं, तो 2 से छोटा ये एक्स है, तो ये वाला फंक्शन लेंगे x-1 का, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आइए देखते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 2-fx, ठीक है। तो लिमिट, अब अगला स्टेप देखिएगा, अभी इसको यही छोड़ देना है। ठीक है, लिमिट, अब हमें इस लिमिट को h में चेंज करना है, तो h टेंस टू 0 2-h, ठीक है, यानी 2- यहाँ से पकड़ना है और h लगा देना है। ठीक है, इसको देखते हुए लिमिट को, तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई। ठीक है जी, अब यहाँ देखिएगा लिमिट h टेंस टू 0, इस पर आइए, इस पर अब हमें फंक्शन रखना है, यानी फंक्शन जो 2 से छोटा है। 2 से छोटा फंक्शन कौन सा है, ये रहा 2 से छोटा फंक्शन, 2 से छोटा फंक्शन x-1, तो रख दिया हमने x-1। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं x-1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, जहाँ ये जो x है ना, इस x की जगह हमें ये 2-h पुट करना है। बस ये अगर 2 स्टेप, अगर एक स्टेप ये वाला और एक स्टेप ये वाला, अगर ये 2 स्टेप आपके याद हो जाते हैं और अच्छे से इसको समझ लेते हैं, तो आप हर क्वेश्चन लगा सकते हैं सतत्ता का। ठीक है, तो मेरी बात आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, एकदम कंसंट्रेशन से। फिर एक बार मैं क्लियर करता हूँ यहीं पर, लिमिट, सबसे पहला स्टेप LHS इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2-fx। ठीक है, ये स्टेप लिख लिया आपने। अब इस 2- का मतलब ये होता है कि 2 से छोटा, यानी 2 जो है 2 से छोटा x है, तो ये वाला फंक्शन लेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये वाला फंक्शन रख दिया, ये रहा देखिए, उसके पश्चात
यहाँ पर देखिए नहीं, यानी लिमिट एच टेन टू ज़ीरो, इस लिमिट को हमें एच में चेंज करना है, तो एच टेन टू ज़ीरो और टू माइनस एच, ठीक है, यानी टू माइनस यहाँ से पकड़ना है और एच अपने पास से लिख देना है इसको देख करके, ठीक है, टू माइनस हो जाएगा। ये स्टेप और ये स्टेप आप समझ लीजिएगा, उसके बाद में देखिएगा आप। लिमिट एच टेन टू ज़ीरो एक्स माइनस वन हमने लिख दिया इसको देख करके, ठीक है, यानी टू से छोटा वाला फंक्शन लेना है हमें, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। अब लिमिट एच टेन टू ज़ीरो, जहाँ जहाँ हमारा ये एक्स है इस फंक्शन में, वहाँ वहाँ में टू माइनस एच रख देना है, तो टू माइनस एच माइनस वन, लिमिट एच टेन टू ज़ीरो वन माइनस एच, ठीक है। जब हम इस टू में से इस माइनस वन करेंगे तो वन बचेगा, यानी वन माइनस एच। अब एच की जगह हमें जीरो पुट करेंगे तो वन आ जाएगा, समीकरण यहाँ से दो आ जाएगी। ये बात आपको क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब ठीक इसी प्रकार जिस तरह से हमने ये वाले स्टेप फॉलो किए हैं एलएचएस के, ठीक इसी प्रकार हमें प्लस लेकर के आरएचएस लेना है, प्लस लेकर के, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों, आरएचएस लिमिट एक्सटेंड्स टू टू प्लस एफ एक्स आ गया, ठीक है। लिमिट एच टेंड टू जीरो टू प्लस एच, टू प्लस यहाँ से पकड़ा और एच लिमिट को देखते हुए, लिमिट को चेंज करते हुए एच यहाँ से ले लिया, टू प्लस एच, ठीक है, ठीक है जी। लिमिट एच टेंड टू जीरो, अब यहां से देखिए टू से बड़ा फंक्शन कौन सा है, आइए देखते हैं। दो से बड़ा फंक्शन कौन सा है यहां पर देखते हैं भाई, ये देखिए, ये तो दो से छोटा है, ये वाला फंक्शन हम ले लेंगे नहीं अब, ठीक है। अब यहां देखिए, या तो ये दो से बड़ा है या ये दो के बराबर है, दो से बड़ा है ना, अरे दो से बड़ा है ना, तो ये वाला फंक्शन ले गए अब हम, ठीक है, दो से बड़ा है तो दो से बड़ा यहां से हम ये वाला फंक्शन लेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं कि लिमिट एच टेन टू जीरो टू एक्स माइनस थ्री, ठीक है, ठीक है जी। अब टू जहाँ जहाँ हमारा यहाँ पर इस फंक्शन में एक्स है, वहाँ वहाँ हमें क्या पुट कर देना है, वहाँ वहाँ हमें पुट कर देना है टू प्लस एच, तो टू इस एक्स की जगह हमने टू प्लस एच माइनस थ्री रखा, ठीक है। लिमिट एच टेन टू जीरो फोर प्लस इस टू की मल्टीप्लाई अंदर, इसके अंदर फिर माइनस थ्री कर देंगे, यानी फोर प्लस टू एच माइनस थ्री, ठीक है। इस फोर में से अब हम क्या काम करेंगे, अब हम बस एच की लिमिट को पुट कर देंगे, यानी जीरो पुट कर देंगे एच की जगह, फोर माइनस थ्री यानी वन, समीकरण तीन आ गई। ये बात क्लियर है? अरे दोस्तों, जिस तरह से हमने यहाँ पर टू माइनस लेकर के एक दफ़े करा, एक दफ़े टू प्लस लेकर के और आर एच एस लेकर के करना है, ठीक है, बस हमारा आंसर आ जाएगा। और आंसर किस तरह आएगा, आइए नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं। हम कह सकते हैं, अब यहाँ देखिए एक चीज़ दिखाता हूँ आपको मैं। समीकरण एक में देखा एफ टू इज इक्वल टू वन आया, ठीक है, समीकरण दो में देखा, ठीक है, वन आ गया। अब समीकरण तीन में जब हमने देखा तो यहाँ पर भी वन आया। अब हम स्पष्ट तरीके से कह सकते हैं कि समीकरण एक दो तीन से स्पष्ट है कि फलन एफ इज इक्वल टू टू पर आर एच एस इज इक्वल टू एल एच एस इज इक्वल टू एफ टू, यानी एफ इज इक्वल टू टू पर सतत है, ठीक है। एक बार मैं इसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आगे आने वाले क्वेश्चन में दिक्कत ना हो, ठीक है। एक दफ़ा और मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ दोस्तों। यहाँ देखिएगा, सिद्ध करो कि फलन एफ एक्स हर बिंदु पर सतत है, ये हमें सिद्ध करना है, प्रूव करना है, ठीक है। तो एफ एक्स हमें ये दिया हुआ है, ठीक है। अब हमने यहाँ से इस वाले फंक्शन को पकड़ करके, ठीक है, एफ एक्स इजिकल टू एक्स माइनस वन, और इसके सामने वाला ही हमने बिंदु यानी एक्स इजिकल टू के बराबर रखना है, यानी एक्स लेस देन टू, यानी जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हमें टू पुट करना है, तो एफ टू टू माइनस वन यानी एफ टू इजिकल टू वन, समीकरण पहली आ जाएगी, ठीक है। अब हमें एल एच एस लेना है, एल एच एस यानी लिमिट एक्स टेंस टू टू माइनस, टू माइनस एक दफ़े माइनस ले करके एक दफ़े प्लस करके, ठीक है, अभी हम माइनस कर रहे हैं एल एच एस ले करके, तो टू माइनस एफ एक्स यानी वो फंक्शन यहाँ से पकड़ना है जो दो से छोटा है, दो से छोटा तो यहाँ ये दिख रहा है, अरे ये देखिए टू लेस देन एक्स, इसका मतलब क्या होता है, अरे इसका मतलब ये है कि अगर ये वाली चोंच जो है ये बड़ी की तरफ है, ठीक है, एक मिनट दिखाता हूँ, एक्स लेस देन टू है, ठीक है, ये चोंच जो है ये वाली चोंच छोटी की तरफ है तो ये छोटा है, अब ये बड़ा है खुला हुआ है तो ये बड़ा है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है आपको, क्योंकि यहाँ पर छोटे की बात चल रही है तो ये वाला फंक्शन हम लेंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ से ये फंक्शन पकड़ा तो एक्स माइनस वन, अब एक्स की जगह हमने टू माइनस एच, ये वाला हमें याद करना है, बस ये वाला हमें स्टेप याद करना है, बीच वाला लिमिट एच टेन टू जीरो टू माइनस यहाँ से पकड़ के एच लगा देना है बस, उसके बाद में यह फंक्शन रख देना है
टू माई, यानी जो 2 से छोटा फंक्शन है वो रख देना है, x की जगह 2 माइनस h पुट कर देना है, माइनस 1, समीकरण पहली। इसी प्रकार समीकरण दूसरी। अब समीकरण दूसरी 2 से बड़ा। अब यहाँ देखिएगा आप इस फंक्शन में, दोस्तों कोई बात नहीं, देर लग रही है कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन समझ आना चाहिए आपके। एक्स, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक्स या तो ये, सॉरी, एक्स या तो ये 2 से छोटा है, सॉरी, या तो 2 से बड़ा है एक्स, या ये एक्स इजिकल टू 2 के बराबर है। ठीक है, ये बात है नहीं? बिल्कुल बिल्कुल है जी। अब क्योंकि 2 से हमें बड़ा वाला फंक्शन लेना है ना, अरे 2 प्लस मतलब 2 से बड़ा, 2 से बड़ा मतलब कौन सा है? ये वाला है फंक्शन इसका। ठीक है, इसके सामने वाला। ठीक है, तो आइए दोस्तों, अब हमने 2 से बड़ा वाला लिया, यहाँ से 2 प्लस एच आ गया। अब 2 एक्स माइनस 3 लिया, यानी 2 एक्स की जगह 2 प्लस एच रखा, ये रख दिया माइनस 3, यहाँ से आ गया समीकरण 3। अब स्पष्ट तरीके से हम कह सकते हैं कि हर बिंदु पर ये सतत है, हर बिंदु पर ये सतत है, यानी 1, 2, 3 स्पष्ट है कि फलन एफ इजिकल टू 2 पर सतत है, आर एच एस इजिकल टू एल एच एस इजिकल टू एफ 2 पर। ठीक है, आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और भी अच्छे से समझ आएगा। दोस्तों यहाँ देखिएगा, यदि फलन एफ एक्स निम्न प्रकार परिभाषित है, हमें एफ एक्स इजिकल टू एक्स प्लस 1, एक्स लेस देन 2, एक्स माइनस 10, एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये दिया हुआ है हमें। अब यहाँ देखिएगा दोस्तों, एफ एक्स इजिकल टू एक्स प्लस 1, यहाँ पर हमने एफ एक्स की बराबर ये रखा, और ये वाला पॉइंट लेंगे एक्स इजिकल टू 2 पर, यानी एक्स लेस देन 2, एक्स इजिकल टू 2 पर चेक करते हैं। तो एफ 2, यानी जहाँ जहाँ हमारा एक्स है वहाँ वहाँ 2 रख देंगे, तो 2 प्लस 1 यानी एफ 2 इजिकल टू 3 समीकरण पहली आ जाएगी। ठीक है, ये बात क्लियर है ना? क्लियर है जी। अब लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस, एक दफ़े एल एच एस लेकर के माइनस करना है, उसके बाद में आर एच एस लेकर के प्लस करना है। ठीक है, ठीक है, किस पर? इस 2 पर जो दिया हुआ होगा उस पर। ठीक है, ठीक है जी, यहाँ पर 2 दिया हुआ है, तो इसलिए एफ एक्स लिमिट एक्स 2 माइनस फंक्शन, ये 2 से छोटा वाला, तो लिमिट एच टेन टू 0 ये वाला फंक्शन याद करना है, और 2 माइनस यहाँ से पकड़ के 2 माइनस एच हो जाएगा, लिमिट एच टेन टू 0। अब यहाँ देखते हैं इस वाले अंतराल में क्या दे रखा है। 2 माइनस, 2 से छोटा फंक्शन कौन सा है? अरे 2 से छोटा फंक्शन यहाँ पर ये दिख रहा है ना, अरे 2 से छोटा है x, तो ये वाला फंक्शन। 2 से बड़ा होता तो जब भी ये वाले लेते हैं, क्यों लेते हैं? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता ही नहीं, ऐसा क्वेश्चन आता ही नहीं, तो अभी हम फिलहाल छोटा ले रहे हैं। तो x प्लस 1 हमने यहाँ रखा, लिमिट h टेन टू 0, 2 माइनस h, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ में 2 माइनस h रख देना है, प्लस 1, लिमिट एच टेन टू 0, 3 माइनस एच, एच की जगह हमें लिमिट पुट कर देनी है 0, तो 3 आ जाएगा, समीकरण 2 आ जाएगी। ठीक है, आइए समीकरण 3 पर चलते हैं। तो लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स, ठीक है, लिमिट एच टेन टू 0, 2 प्लस एच, ठीक है, 2 प्लस यहाँ से पकड़ा, एच अपने पास से लिखा, और एच टेन टू 0, बस ये फंक्शन आपको याद रखना है, ये स्टेप आपको याद रखना है। ठीक है, लिमिट एच टेन टू 0, अब एक्स प्लस 1 ही लेना है। ठीक है, बिल्कुल लेना है, 2 प्लस यानी x प्लस 1 ही लेना है, तो लिमिट h टेन टू 0, 2 प्लस h प्लस 1, यानी x की जगह हमें 2 प्लस h रख दिया, तो यहाँ पर 1 और 2 3, h की जगह लिमिट पुट करेंगे तो 3 ही आ जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो f2 पर इजिकल टू आर एच एस इजिकल टू एल एच एस सतत है, तो हम कह सकते हैं कि फलन f इजिकल टू 2 पर सतत है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर 3 अंतराल दिए हुए हैं हमें, इन 3 अंतराल में हमें पहचानना है कि हमें किस पर रखना है, चेक करना है। तो सिद्ध करो कि फलन एफ एक्स हर बिंदु पर सतत है, एफ एक्स इजिकल टू मॉड एक्स प्लस 3, जब एक्स ग्रेटर देन एक्स ग्रेट एक्स लेस देन माइनस 3, या एक्स इजिकल टू माइनस 3, ठीक है, एक्स लेस देन माइनस 3 या एक्स इजिकल टू 3, माइनस 2x, जब माइनस 3 लेस देन एक्स लेस देन 3, ठीक है, ठीक है जी, 6x प्लस 2, जब एक्स लेस देन एक्स ग्रेटर देन 3, या एक्स इजिकल टू 3। ठीक है, तो हमने ये वाला फंक्शन लिया सबसे शुरू में, एफ एक्स मॉड एक्स प्लस 3। अब हमें ये वाला इस पर चेक करना है, यानी एक्स ग्रेटर देन माइनस 3, यानी एक्स इजिकल टू माइनस 3 भी होगा, एक्स इजिकल टू माइनस 3 पर चेक करते हैं। तो एफ माइनस 3, माइनस 3 मोड के अंदर रखा हमने, यानी एक्स की जगह प्लस 3, जब हम इसको मोड से बाहर निकालते हैं तो ये प्लस हो जाएगा,
थ्री प्लस थ्री यानी एफ माइनस थ्री इजिकल टू सिक्स समीकरण पहली आ जाएगी। ये बात क्लियर होनी चाहिए, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इसका ये है LHS लिमिट एक्सटेंस टू थ्री माइनस। अब ये थ्री कहाँ से आ रहा है? अरे यहाँ से आ रहा है थ्री ओ बस। ठीक है, तो एक्सटेंस टू थ्री माइनस एफ एक्स। ठीक है, यानी थ्री तीन से छोटा वाला फंक्शन लेना है। लिमिट एच टेन टू ज़ीरो माइनस थ्री, माइनस थ्री यहाँ से पकड़ा, देखिए माइनस थ्री यहाँ से पकड़ा और माइनस बीच में लगा दिया, एच लिख दिया अपने पास से। ठीक है, और लिमिट चेंज कर दी। ये दो एक स्टेप याद रखना, लिमिट एक्सटेंस टू ज़ीरो। अब यहाँ पर देखिएगा, क्योंकि माइनस थ्री से छोटा वाला फंक्शन, माइनस थ्री से छोटा वाला फंक्शन यानी माइनस थ्री माइनस की ओर जा रहा है, तो छोटा वाला फंक्शन चाहिए। तो छोटा वाला फंक्शन देखते हैं, आइए कौन सा है। इसमें माइनस थ्री छोटा वाला फंक्शन एक्स है, यानी इसके सामने वाला ये वाला लेंगे। ये बात क्लियर होनी चाहिए, मॉड एक्स प्लस थ्री। तो मॉड एक्स प्लस थ्री हमने यहाँ पर ये लिख दिया। अब इस एक्स की जगह माइनस थ्री माइनस एच रख देंगे, तो मॉड माइनस थ्री माइनस एच प्लस के थ्री। अब जहाँ जहाँ हमारा एच है वहाँ वहाँ ज़ीरो रख देना है, तो माइनस थ्री आ जाएगा, ये तो ख़त्म ही हो जाएगा। जब इसको हम मोड को बाहर निकालेंगे तो ये प्लस थ्री हो जाएगा और थ्री और थ्री सिक्स हो जाएगा, समीकरण दूसरी आ जाएगी। अब हमें यहाँ से आर एच एस लेकर के देखना है, तो आर एच एस एक्सटेंस टू माइनस थ्री प्लस एक दफ़े करना है। अब हमें एफ एक्स यानी इस माइनस थ्री से बड़ा वाला फंक्शन कौन सा है, आइए देखते हैं। तो आपको यहाँ ये बात दिख रही होगी कि माइनस थ्री, भाई माइनस थ्री ये रहा, माइनस थ्री से बड़ा है नहीं एक्स, बिल्कुल है। इसके सामने वाला फंक्शन माइनस टू एक्स है, बिल्कुल है। तो आइए दोस्तों इसी को लेकर के देखते हैं हम। तो हमने यहाँ पर अगला स्टेप तो इसका हमें याद होना चाहिए, ये वाला माइनस थ्री प्लस एच, ठीक, क्योंकि प्लस कर रहे हैं। लिमिट एच टेन टू ज़ीरो, अब फंक्शन वो रखना है जो माइनस तीन से बड़ा है। माइनस तीन से बड़ा भाई माइनस टू एक्स है, ठीक है। ठीक है जी, माइनस टू एक्स ही है क्या, ज़रा देखते हैं एक दफ़े। हाँ ये रहा, देखो माइनस टू एक्स, माइनस तीन से बड़ा एक्स है, तो ये इसके सामने वाला ले लेना है। ठीक है, बात समझ आ गई होगी आपके, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ देखिए माइनस टू इस एक्स की जगह ये वाला फंक्शन यानी माइनस थ्री प्लस एच। लिमिट एच टेन टू ज़ीरो माइनस सिक्स, क्योंकि माइनस थ्री टू की मल्टीप्लाई माइनस थ्री से होगी तो सिक्स हो जाएगा, और माइनस टू की मल्टीप्लाई एच से प्लस एच से होगी तो माइनस टू एच हो जाएगा, यानी सिक्स माइनस टू एच। एच की जगह जब हम लिमिट पुट करेंगे ज़ीरो तो ये ख़त्म हो जाएगा, यानी सिक्स समीकरण तीन आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि तीनों समीकरण से स्पष्ट है कि फलन f इजिकल टू माइनस थ्री पर सतत है, यानी आर एच एस इजिकल टू एल एच एस इजिकल टू एफ माइनस थ्री। आपको बात ये समझ आ रही होगी। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों इसमें कुछ भी नहीं है, बस ओनली दो स्टेप याद रखने हैं और कुछ नहीं। हमें एक तो ये स्टेप है कि एक दफ़े माइनस करना है एल एच एस लेकर के, और एक दफ़े प्लस करना है आर एच एस लेकर के। ठीक है, उसके बाद में हमें जो हम एफ इजिकल टू एक्स इजिकल टू रख रहे हैं वो तीन से, अगर हम माइनस है तो माइनस में रखेंगे, यानी तीन से छोटा जो है वो फंक्शन देखेंगे उसमें जो दिया हुआ है, और प्लस है तो बड़ा वाला फंक्शन देखेंगे। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन की मदद से और भी समझते हैं अच्छे से। एफ एक्स इजिकल टू एक्स प्लस फाइव, एक्स लेस देन या एक्स इजिकल टू वन, एक्स माइनस फाइव, एक्स ग्रेटर देन वन। अब यहाँ देखिएगा दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, बिल्कुल। अभी हमने ये वाला फंक्शन लिया, ठीक है, यानी एक्स ग्रेटर देन, एक्स लेस देन वन और एक्स इजिकल टू वन। ठीक है, ठीक है जी। अब एक्स की जगह हमें वन रख देना है इस वाले फंक्शन में। ठीक है, ठीक है। तो एफ एक्स एक्स प्लस फाइव, एफ वन वन प्लस फाइव, एफ वन इजिकल टू सिक्स, समीकरण पहली आ जाएगी। एल एच एस यानी लिमिट एक्सटेंस टू वन माइनस, क्योंकि हम एल एच एस लेकर के माइनस करते हैं, ये स्टेप याद होना चाहिए आपका। ठीक है, तो एफ एक्स यानी वन से छोटा वाला हमें फंक्शन लेना है। वन से छोटा वाला फंक्शन तो यही नज़र आ रहा है भाई, ये तो वन से बड़ा हो जाएगा, वन से छोटा वाला यही तो है। ठीक है जी, तो आइए दोस्तों, लिमिट एच टेन टू ज़ीरो वन माइनस एच, वन माइनस यहाँ से पकड़ना है और एच अपने पास से लिख देना है और लिमिट चेंज कर देनी है। लिमिट एच टेन टू ज़ीरो एक्स प्लस फाइव, जैसे कि हमने अभी बताया है आपको। ठीक है, लिमिट एच टेन टू ज़ीरो, अब एस एक्स की जगह वन माइनस एच, वन माइनस प्लस फाइव। ठीक है, ठीक है जी। अब यहाँ देखिएगा, लिमिट एच टेन टू ज़ीरो फाइव और एक वन, सिक्स माइनस एच। अब एच की जगह हमें ज़ीरो को पुट कर देना है,
तो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, यानी सिक्स समीकरण दूसरी आ जाएगी। ठीक है, आइए दोस्तों नेक्स्ट स्टेप देखते हैं इसका, RHS से देखते हैं। RHS इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंस टू, अब एक दफ़े प्लस वन प्लस इंटू एफ एक्स, ठीक है, लिमिट एक्सटेंड टू ज़ीरो, वन प्लस यहाँ से पकड़ प्लस के एच लिख देना है, उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप इसका RHS इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड टू ज़ीरो एक्स माइनस फाइव। अब ये x माइनस फाइव क्यों आया ज़रा सर एक दफ़े बता दीजिए, अभी तो आपने x प्लस फाइव रखा था LHS में, अब RHS में आपने x माइनस फाइव रख दिया, मसला क्या है सर एक दफ़े और बता दीजिए हमें, और क्लियर कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, और क्लियर कर देता हूँ आपको मैं, यहाँ देख क्योंकि हमें प्लस वन एक दफ़े देखिएगा कहाँ पर है, ये रहा वन प्लस मतलब वन से बड़ा वाला फंक्शन, वन से बड़ा वाला फंक्शन, ठीक है वन से बड़ा वाला फंक्शन देखते हैं इसमें अंतराल में, वन से बड़ा वाला फंक्शन कौन सा है, ये वाला है भाई, वन तो छोटा है, वन से बड़ा वाला ये एक्स है, तो इसके सामने वाला फंक्शन पकड़ लेना है एक्स माइनस फाइव। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स माइनस फाइव रखेंगे, ये रख दिया हमने एक्स माइनस फाइव, ठीक है रख दिया ये रहा, अब इस एक्स की जगह वन प्लस एच ये रहा, देखिए ये वाला स्टेप जो मैं आपको कहता हूँ कि याद होना चाहिए ये वाला स्टेप, ठीक है। ठीक है जी, तो वन प्लस एच माइनस फाइव, वन इसकी जगह हमने ज़ीरो पुट किया तो ज़ीरो, माइनस फाइव इस माइनस फाइव और वन को प्लस करेंगे तो माइनस फोर बचेगा। आर एच एस इज नॉट इक्वल टू एल एच एस, तो फलन एफ इज इक्वल टू वन पर सतत नहीं है। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर का, बस कुछ नहीं है, ओनली दो स्टेप है इसमें, आप मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अच्छे से तरीके से कर जाएंगे और इसी तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। दोस्तों यहाँ देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं, बस वही स्टेप फॉलो करने हैं जो मैंने बता रखे हैं आपको। एफ एक्स इजिकल टू, यहाँ देखिएगा दोस्तों, एफ एक्स इजिकल टू हमें दिया हुआ है एफ एक्स इजिकल टू ए एक्स प्लस वन, इसका हमें दिया हुआ है एक्स लेस देन थ्री या एक्स इजिकल टू थ्री। ठीक है, इसका मतलब तो यही होता है या x से छोटा है, x से बड़ा है या x के बराबर है। बी एक्स प्लस थ्री इसके सामने वाला जो दिया हुआ है x से बड़ा है, x बड़ा है तीन से, या बस यही दिया है x से बड़ा है तीन, x बड़ा है तीन से। ठीक है, अब एफ एक्स इजिकल टू हमने ये वाला लिया, ठीक है, ठीक है जी, तो एफ एक्स इजिकल टू ए एक्स प्लस वन एक्स इजिकल टू थ्री। ठीक है जी, ये बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है जी, क्योंकि हमने x इजिकल टू थ्री पर चेक करेंगे। ठीक है, तो f3 a इंटू इस x की जगह 3 पुट करेंगे प्लस वन, यानी 3 है प्लस वन, समीकरण पहली आ जाएगी। LHS लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, वही स्टेप फॉलो करने हैं, बस एक दफ़े माइनस करना है LHS लेकर के, तो लिमिट x टेंस टू 3 माइनस इंटू एफ एक्स। अब यहाँ पर तीन से छोटा जो फंक्शन है हमारा वो रखना है, तीन से छोटा फंक्शन कौन सा है, तीन से छोटा फंक्शन हमारा ए एक्स प्लस वन है, तो हमने यहाँ पर ए एक्स प्लस वन रख दिया, जैसे कि आप देख रहे हैं भाई। ये तो स्टेप मैंने आपको बता रखा था, एच टेन टू ज़ीरो, थ्री माइनस यहाँ से पकड़ के थ्री माइनस और एच लिख देना है। ठीक है, ठीक है जी, तो लिमिट ए एक्स प्लस वन, तीन से छोटा वाला फंक्शन ले लिया, ए एक्स की जगह थ्री माइनस एच रख दिया, थ्री माइनस एच प्लस वन, तो यहाँ से हमारा आ गया, आ जाएगा ये इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, थ्री ए माइनस थ्री एच प्लस वन, तो थ्री ए प्लस वन समीकरण दूसरी आ जाएगी। आर एच एस इजिकल टू लिमिट, समीकरण आ गई, अब यहाँ पर आर एच एस लेकर के लिमिट एक्स टेंस टू थ्री प्लस, अब प्लस करना है, ठीक है, इन टू एफ एक्स, यानी तीन से बड़ा वाला हमें लेना है। आइए देखते हैं कौन सा इसमें तीन से बड़ा वाला है। दोस्तों यहाँ देखिएगा, ये तीन से बड़ा है फंक्शन, तीन से बड़ा है ना ये एक्स, अरे एक्स जो है वो तीन से बड़ा है, तो हमें ये वाला फंक्शन लेना है बी एक्स प्लस थ्री, तो आइए हम बी एक्स प्लस थ्री लेते हैं, लिमिट एच टेन टू जीरो थ्री प्लस एच। ठीक है, बी एक्स प्लस थ्री ये ले लिया हमने, ठीक है, तो लिमिट एच टेन टू ज़ीरो बी इस एक्स की जगह हमें थ्री प्लस एच, थ्री प्लस एच प्लस थ्री, लिमिट एच टेन टू ज़ीरो, अब इसकी मल्टीप्लाई अंदर इसकी इसमें प्लस थ्री, थ्री बी प्लस एच बी प्लस थ्री, अब h की जगह हमें लिमिट पुट कर देनी है, तो थ्री बी प्लस के थ्री इज इक्वल टू समीकरण तीन आ जाएगी हमारी। ठीक है, हमारी समीकरण दो आ गई, समीकरण तीन आ गई, अब हमने समीकरण आर एच एस इज इक्वल टू एल एच एस लिखा। ठीक है जी, तो आर एच एस इज इक्वल टू एल एच एस, इसमें थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप ये है इस क्वेश्चन में कि आर एच एस इज इक्वल टू एल एच एस बराबर, देखते हैं क्या ये दोनों बराबर हैं क्या नहीं। तो थ्री ए प्लस वन, थ्री बी प्लस थ्री, एल एच एस का मान ये था, आर एच एस का मान ये था। ठीक है, अब 3a इस 1 को उठा करके यहाँ लेकर जाएंगे
ठीक है। तो 3b + 3 - 1 हो जाएगा, 3a 3b - +3 - 1 तो +2 बचेगा। a इज इक्वल टू 3b अपॉन, इस 3 को उठा करके अपॉन में आएंगे तो 3b/3 + 2/3, ठीक है। इस 3 से ये 3 कैंसिल, तो b+2/3 a का मान आ गया। अब इस a के मान को, इस a के मान को अब हम समीकरण इसमें ला के पुट कर देंगे, इस a के मान को, इस वाले मान को उठा करके इस a की जगह लिख देंगे हम, ठीक है। आइए देखते हैं इस ए की जगह लिखकर ये दोनों बराबर आ रहे हैं क्या नहीं। तो दोस्तों 3b+ इस ए की जगह, ये वाले ए की जगह b+2/3, ठीक है। +1 = 3b+3, 3b+3 ये रहा, ठीक है। 3b+6/3 जब इसकी मल्टीप्लाई हम अंदर करेंगे, 3 दूनी 6, भाई 3b 3 दूनी 6, तो 3b+6/3 + 1 अपनी ही जगह = 3b+3, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा दोस्तों, इस 3b से ये 3b कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 और 1 3, तो 3 = 3, तो = 3, यानी स्पष्ट है कि F3 पर सतत है, LHS = RHS। दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो? अगर आपको कहीं भी डाउट है, इस वाले पाँच छः क्वेश्चन जो कराए हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों इसी तरीके का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे आगे, इससे अलग नहीं पूछे जाएंगे, मैं सही बता रहा हूँ। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो हमारी, इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों को बताओ कि इसमें, इस चैनल पर टॉपिक वाइज स्टडी कराई जा रही है, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से पढ़ाया जा रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। तो गुड बाय, गॉड ब्लेस यू दोस्त।